इस टाइम सलमान खान की आने वाली मूवी रेस्त्री की चर्चा मीडिया में हो रही है। ईद की बात करें तो भाई जान ईद पर अपना धमाका लेकर आने वाले हैं, लेकिन उनके साथ एक और नया चेहरा है जिसे देखने के लिए लोग जाने वाले हैं। जी हाँ, वो है बॉबी देओल। बंदा वापसी कर रहा है, सलमान ने मौका दिया है उन्हें। अब खबर ये है कि रेस्त्री के बाद बॉबी देओल की अगली मूवी सलमान खान प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, पर इतना जरूर पता है कि यह फिल्म को डायरेक्ट प्रभु देवा करने वाले हैं। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, दबंग 3 नहीं है, ये बॉबी देओल की सोलो फिल्म होगी। बॉबी देओल को सलमान खान इन दिनों बॉडी देओल कहकर बुलाते हैं। सलमान खान और बॉबी दोनों रेस्त्री में अपनी बॉडी दिखाने वाले हैं। बॉबी कई दफा इस बात को कह चुके हैं, भाई की बदौलत ही उन्होंने बॉडी बनाई है। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सलमान ने जिसका हाथ थामा उसकी नैया पार लग गई। फिलहाल सलमान बॉबी के साथ हैं। भारत में जहां सलमान के साथ बॉबी देओल नजर आने वाले हैं, वहीं किक 2 में भी उनका नाम सलमान के साथ जोड़ा जा रहा है। सलमान खान बॉबी के पिता धर्मेंद्र की काफ़ी इज्जत करते हैं। यमला पगला दीवाना फिर से में सलमान धर्मबाजी बॉबी और सनी देओल के साथ एक डांस सॉन्ग भी करने वाले हैं। देखते हैं कि बॉबी सलमान के सहारे अपने आप को फिर से कैसे साबित कर पाते हैं। फिल्म जो है वो 15 जून को रिलीज़ हो रही है। इसके मौके पर इसमें सलमान और बॉबी के साथ जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, डेजी शाह, साकिब सलीम और फ्रेडी दारूवाला नजर आने वाले हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।